तो लोकतंत्र में विरोध के अधिकार की क्या अहमियत है, इस बात को इमरजेंसी के दौर से बेहतर शायद ही किसी और दौर में समझा जा सकता है। कुछ इसी इरादे के साथ राजस्थान सरकार ने इमरजेंसी पीरियड को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाने की तैयारी कर ली है। हालांकि इस पर सियासत भी शुरू हो गई है, आप भी देखिए इस रिपोर्ट में। इमरजेंसी का वो दौर आज भी न जाने कितने देशवासियों के जहन में ताजा होगा, साथ ही ताजा होंगी इमरजेंसी से जुड़ी तमाम कहानियां और अनुभव। 70 के दशक की इस घटना का असर आज भी देश की सियासत पर देखा जा सकता है। लेकिन युवा पीढ़ी का क्या, आज कितने युवाओं को पता है इमरजेंसी का इतिहास और उसका असर? इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर राजस्थान सरकार ने लिया है बेहद अहम फैसला, लिहाजा पाठ्यक्रम में होने जा रहा है बड़ा बदलाव। बदलाव भी ऐसा कि स्कूली स्टूडेंट ये जान सकें कि विरोध करने के अधिकार का लोकतंत्र में क्या महत्व है। स्कूल पाठ्यक्रम में इमरजेंसी का इतिहास, क्यों, कैसे और कब लगी थी इमरजेंसी? राजस्थान का माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10वीं और 12वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में इमरजेंसी के कालखंड के इतिहास को जोड़ने की तैयारी कर रहा है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में विरोध की अहमियत, इसे दबाने के नतीजे भी अब स्कूली स्टूडेंट की पढ़ाई का हिस्सा होंगे। शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी कहते हैं कि जब बच्चों को भारत समेत विश्व का इतिहास पढ़ाया जाता है तो इमरजेंसी पीरियड के बारे में भी पढ़ाया जाना चाहिए। अगले सत्र से प्रदेश में 10वीं और 12वीं के कोर्स में इमरजेंसी के इतिहास के पाठ भी जोड़े जाएंगे। 12वीं के पाठ्यक्रम में आपातकाल का जो समय था उसके चूंकि हम पूरे राजस्थान के और पूरे देश भर के और विश्व के सब प्रकार के इतिहास को और जानकारी बच्चों को देना चाहते हैं, तो उसमें देश भर की इस बहुत बड़ी जो घटना हुई थी आपातकाल, तो उस आपातकाल के समय का भारत, इस तरह के भी पाठ्यक्रम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जोड़ने पर विचार कर रहा है क्योंकि पाठ्यक्रम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बनाता है। हालांकि सरकार के इस फैसले को अगले सत्र से लागू किया जाना है, लेकिन इस पर सियासत अभी से गर्मा गई है। दरअसल इमरजेंसी को स्कूली कोर्स में जोड़े जाने की बात ही कांग्रेस असहज नजर आ रही है। वैसे उसकी असहजता का कारण भी बड़ा है। इमरजेंसी का फैसला कांग्रेस राज में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने किया था और तकरीबन 2 साल की इमरजेंसी के बाद जब देश में चुनाव हुआ तो इंदिरा गांधी को बड़ी हार मिली। लिहाजा इमरजेंसी पीरियड को स्कूली कोर्स से जोड़ने की इस कवायद को कांग्रेस अपने खिलाफ साजिश करार दे रही है। सरकार की योजना जो मूर्त रूप न ले पाई, ना ही उनकी कोई उपलब्धि है, उन चीजों को इंडक्ट करके सिलेबस में एक तो अतिरिक्त भार डालने का और अपनी पार्टी के प्रचार प्रसार का माध्यम निकाला जा रहा है, और द्वेष के रूप में इमरजेंसी को के चैप्टर को इंडक्ट करने का प्रयास केंद्रीय नेतृत्व के स्तर पर भी किया जा रहा है, केंद्रीय सरकार के स्तर पर भी। तो इसका सीधा उद्देश्य है कि इतिहास को तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत करके युवा मन के और मन में और उसके मानस में से कांग्रेस के प्रति या यूं कह सकते हैं भारत के इतिहास के प्रति दुर्भावना भरना चाहते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या दुनिया की घटनाओं को जानने की जिज्ञासा रखने वाले इस देश के इतिहास की दूसरी घटनाओं को पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को इस बात का पता नहीं होना चाहिए कि इमरजेंसी में उनके देश में क्या हुआ और क्यों हुआ? सुनिए क्या है छात्रों और टीचर्स की राय। मुझे आपातकाल के बारे में इतनी कोई जानकारी नहीं, लेकिन हमारे शिक्षकों ने आपातकाल के बारे में जानकारियाँ दी हैं। अगर ये हमारे सिलेबस में जुड़ता है तो इससे हमें और भी ज़्यादा जानकारी मिलेगी और हम जागरूक होंगे। हम आपातकाल के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानते, यदि ये हमारे पाठ में जुड़ेगा तो हम इसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपातकाल का पाठ अगर जोड़ा जाता है तो बच्चों को फायदा होगा। खैर, यहाँ सवाल और भी कई हैं। यूँ तो देश के इतिहास के बारे में जानना युवा पीढ़ी का फर्ज भी है और हक भी, इमरजेंसी भी इसी का हिस्सा है, तो फिर बवाल क्यों है? हालांकि सवाल सूबे की बीजेपी सरकार की मंशा पर भी है कि क्या इमरजेंसी को सिर्फ इतिहास की घटना के रूप में पढ़ाया जाएगा या फिर क्या इसके नुकसान और जन विरोध पर भी होगा फोकस। फिलहाल इंतजार इस फैसले के लागू होने का। जयपुर से शशिमोहन शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 24/7।